अररिया पुलिस ने शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक में कई कंपनी की अंग्रेजी शराब बरामद किए गए हैं। शराब के 400 कार्टून जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप बंगाल से छपरा ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। टाउन एसएचओ कुंदन जी को खबर मिली थी, गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर इन्होंने एक टीम बना करके एसआई सदन शाह टाइगर माइल के साथ इन्होंने एनएच पर छापेमारी किया, जिसमें एक ट्रक के साथ, 6 चक्के ट्रक के साथ दारू की बरामदगी की गई है। इसमें कुल 3499 लीटर दारू बरामद हुआ है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। सर, ये सब कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था? पूछताछ के क्रम में ही पता चला है कि लोग बंगाल से ला रहे थे, और जो बरामद शराब हुई है उसमें कुछ अरुणाचल प्रदेश का और कुछ असम का उस पर स्टिकर लगा हुआ है, और इन लोगों द्वारा बताया गया कि छपरा ले जाया जा रहा है। कितने लागत हुई? करीब 30-35 लाख के करीब लागत की, ये जो जितना बरामद हुआ है करीब 3499 लीटर। और इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं ताकि इसके कहाँ से लाया जा रहा था और कहाँ पहुँचाया जा रहा था, इस पर अनुसंधान करके हम लोग बाकी इसको सामने लाएंगे। सर, लगातार इस तरह से हाईवे पे क्रॉस करना क्या संभव हो पा रहा है इसको पकड़ना? हम लोग इससे प्रयास कर रहे हैं ताकि इसमें जितना हम लोग प्रयास करके इसको रोक सकें, और इस तरह की घटनाओं को हम लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं।